राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तौर पर मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने निवास स्थान समीरपुर में ग्रामीणों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर धूमल ने लोगों को अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखने का संदेश दिया और कहा कि गंदगी को भगाने और स्वच्छता अपनाने के लिए लोगों को आगे आने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज हमें प्रण लेने की जरूरत है और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को मिलकर सफाई का जिम्मा उठाना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ सकेगा। धूमल ने कहा कि पुराने जमाने में भी लोग स्वयं ही सफाई करते थे, तो आज क्यों करने से शर्मा रहे हैं। सफल बनाए, लगातार करते रहे। स्वच्छता अभियान केवल एक दिन का अभियान नहीं है, इसका अर्थ है कि जिंदगी में एक आदत डालना, प्रतिदिन प्रतिक्षण साफ रहना, सुथरा रहना और सबके लिए काम करके रास्ते साफ रखना, सारा क्षेत्र साफ रखना। तो आओ इस आदत को पक्का कर लें कि हम रोज साफ सुथरा रहेंगे, अपने घर को साफ रखेंगे, अपने घर के रास्ते को, अपने गांव के रास्ते को साफ रखेंगे, अड़ोस पड़ोस को साफ रखेंगे और फिर महात्मा गांधी के सपने को, एक स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, आओ हम सब मिलकर उसको सफल बनाएं और भारत को तभी स्वच्छ बना सकेंगे जब हम अपना गांव, अपना घर, अपने रास्ते साफ रखेंगे, सफाई को आदत बना लेंगे।